नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ रंजना वेजफूड चैनल में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं दोस्तों आई हूँ खेत में, तो खेत से मैं ताज़ी सब्जी तोड़ूंगी। तो चलिए मैं चलती हूँ खेत में और आप लोग को दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सी सब्जी तोड़ने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। खेत के अंदर हम आ गए हैं दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं बैंगन के खेत में और आज हम आप लोग को बैंगन की रेसिपी बना करके दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो पहले आइए आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कि बैंगन कैसे फरा हुआ है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से तोड़ूँगी। तो देखिए, यह छोटा वाला बैंगन है। तो बैंगन का पेड़ काफ़ी अच्छे से तैयार हुआ है। तो बैंगन का पेड़ काफ़ी हरा हरा सा है, देखने में अच्छा लग रहा है और बैंगन भी काफ़ी अच्छे से तैयार हुआ है, ये देखिए। ये देखिए काफ़ी ढेर सारे बैंगन लगे हैं। इधर देखिए, इस वाली टहनी में ढेर सारे बैंगन लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इनका फूल देखिए इस तरीके से होता है। तो देखिए, पूरा इधर से उधर तक पूरा बैंगन ही लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से बैंगन तैयार हुए हैं। और इस वाली टहनी में देखिए कितना ढेर सारा बैंगन लगा हुआ है। तो देखिए, इस वाले टहनी में भी कितने ढेर सारे बैंगन लगे हुए हैं। तो एक पेड़ में दोस्तों कम से कम 20-25 बैंगन लगे हुए हैं। तो मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से बैंगन तोड़ लिया हुआ है। इतना सारा बैंगन मैंने तोड़ा हुआ है, इतना हमको ज़रूरत है। तो अब मैं सब्ज़ी को लेकर के चलती हूँ अपने घर पे। सब्ज़ी लेकर के हम घर पर आ चुके हैं। तो आइए आप लोग को मैं सामग्री दिखा दूँ कि मैंने बैंगन के साथ और क्या क्या सामग्री लिया हुआ है। साबुत धनिया है, जीरा है, लहसुन की कलियाँ, अदरक, अरिका अमचूर है और ये सूखा लाल मिर्च है और ये सौंफ है और बैंगन है। तो इतना सारा सामग्री मैंने लिया हुआ है। तो आज मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों कि मैं बैंगन का कलौजी बनाने जा रही हूँ। तो इसीलिए देखिए, मैंने छोटा छोटा वाला बैंगन लिया हुआ है, तो इसका कलौजी बहुत अच्छा आता है खाने में। तो सबसे पहले मैं बैंगन को धुल करके साफ़ कर लेती हूँ। सभी बैंगन को धुल करके मैंने साफ़ कर लिया हुआ है। मेरी जल गई है तो चूल्हा पर रख देती हूँ कढ़ाई। तो भी दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने वाली थी तभी हमारे यहाँ बारिश होने लगा था, तो इसलिए मैं देखिए बंद कर दी थी। तो अभी बारिश जो है ख़त्म हो गई है, मौसम साफ़ हो गया है, तब मैं रेसिपी बनाना शुरू कर रही हूँ। इसलिए देखिए, ज़मीन आप लोग को भीगा भीगा सा दिखाई पड़ रहा होगा। तो मैं मसाला भूनूँगी। तो मैं डाल देती हूँ धनिया, जीरा और सौंफ और ये सूखा लाल मिर्च। तो मसाला मैंने भून लिया है, मसाला हमारा पक गया है। मसाला को सिलबट्टे पर रख करके पीस लेते हैं।
मसाला को हम ज़्यादा महीन नहीं पीस रहे हैं, देखिए हल्का सा दरदरा ही पीस रहे हैं। तो कलौजी बनाने के लिए मसाला ऐसे दरदरा रहता है तभी अच्छा आता है। मसाला मैंने पीस लिया हुआ, इसको रख लेती हूँ थाली में। मैं लहसुन और अदरक पीस लेती हूँ। तो इसको भी मैंने पीस लिया हुआ है। मैं खटाई का अमचूर डाल लेती हूँ और डालूंगी इसमें नमक। तो सभी मसाला मैं मिक्स कर लेती हूँ हाथों से। तो अब मैं बैंगन को चीरूंगी। तो देखिए बैंगन हमारा काफ़ी नरम है और इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगे हुए हैं। तो ऐसे मैं सभी बैंगन में चीरे लगा लेती हूँ। तो देखिए सभी बैंगन में मैंने चीरा लगा दिया हुआ है। अब मैं मसाला इसमें भरूंगी। हो गया है तो बैंगन को मैं तेल में डाल देती हूँ। तो जो बैंगन हमारा नीचे है तेल में उसको हम ऊपर निकाल लेते हैं और जो बाहर है उसको अंदर कर देते हैं। ऐसे उलट पलट करके बैंगन को पकाएंगे। पलटने के बाद मैं थाली से ढक देती हूँ। थाली हटा देती हूँ। देखिए आग मैंने तेज नहीं लगाया है, धीमी आग में ही मैंने कलौजी पकाया हुआ है और सभी बैंगन हमारे अच्छे से पक चुके हैं। देखिए दबाने से इस तरीके से हो रहा है, इसी काफ़ी अच्छे से बैंगन हमारा पका हुआ है। जला बिल्कुल भी नहीं है और मसाला भी देखिए भरपूर अभी भरा ही है इसमें, निकला बिल्कुल भी नहीं। देखिए इसमें मसाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें पूरा भरपूर मसाला है इसमें भी। तो अब मैं कढ़ाई उतार लेती हूँ चूल्हा से नीचे। तो बैंगन का भरवा कलौजी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो बेहद ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बना हुआ है दोस्तों। तो आज मैंने बनाया हुआ है बैंगन का भरवा कलौजी। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।